Hey, this is Kamil and you're watching Cam Design. So friend, today I will show you how can you add presets, filters in your videos. There are lots of presets already in VSDC. So I will show you how can you use that filters. So if you are new on my channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon to get triple T, tips, trick and tutorial. So without making any further ado, let's get started with this video. सो वेलकम इन VSDC दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है और आज मैं अपना फेस कैम भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ सेटअप मेरा बन नहीं पाया है, जिस वजह से मैं फिर वॉइस रिकॉर्डेड वीडियोस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, पहले आपको ब्लैंक प्रोजेक्ट लेना है एज़ यूज़ुअल। तो ब्लैंक प्रोजेक्ट आप ले लो और बाकी सेटिंग आप देख सकते हैं, उसी तरह रखनी हो तो। फिनिश किया मैंने, अब मैं अपनी फ़ाइल को इम्पोर्ट कर लूँगा। ठीक है, टाइमलाइन में तो मैं अपनी एक वीडियो इसमें इंपोर्ट करता हूँ, ये मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो अब ये वीडियो है हमारी। ठीक है, तो इस पे मैं लगाऊंगा प्रीसेट फिल्टर्स जो हैं, ऑप्शन करके इसमें देखता हूँ प्रीव्यू किस में चल रहा है। टू फोर्टी, चलो। तो अब मेरे को क्या करना है, देखिए इस पर क्लिक किया मैंने। अब ये टेम्पलेट अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें टेम्पलेट में बहुत सारे फ़िल्टर, इंस्टाग्राम स्टाइल के फ़िल्टर पड़े हुए हैं, देखिए। ठीक है, लॉर्ड केविन 97, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट में भी प्रीसेट बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, क्विक स्टाइल में भी ये पड़े हुए हैं। हालांकि ये सारे टेम्पलेट आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है, वीडियो इफ़ेक्ट में, और उसमें ये सारे फ़िल्टर मिल जाएंगे। ठीक, तो मान लीजिए आपको फ़िल्टर लगाने हैं इंस्टाग्राम के, एडिटर पे जाइए। अब ये जो आपके फ़िल्टर्स चल रहे हैं, ठीक है, या इस पर राइट क्लिक करिए, वीडियो इफ़ेक्ट में आइए। अब यहाँ पे देखिए क्विक स्टाइल, तो ये देखिए इंस्टाग्राम स्टाइल के फ़िल्टर सारे आपको दिखा रहे हैं। ठीक, पहला हम लिए, ये लग गया। ठीक है, क्लिपिंग प्रॉपर्टीज़ में जाइए। अब इसकी क्लिपिंग की क्या कर सकते हैं आप, ट्रांसपेरेंसी देखते हैं, कंट्रोल हो सकती है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं। ठीक, इसको डिलीट करते हैं हम वीडियो। अब कोई दूसरा फिल्टर देखते हैं हम, वीडियो इफेक्ट्स, क्विक स्टाइल, लॉर्ड केविन। ठीक है, क्लिपिंग वन प्रॉपर्टीज़, पूरी वीडियो पे लगा हुआ है ये। ठीक, तो इसको भी हम डिलीट करते हैं, आते हैं अब इससे, यहाँ से हम लगा के वही फ़िल्टर देखते हैं, बात वही होगी। रिमूव ऑल फ़िल्टर कर दीजिए, ऑटो कंट्रास्ट अगर करते हैं, ऑटो लेवल प्रॉपर्टीज़, यहाँ आके आप ट्रांसपेरेंसी देखिए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दे रहा है ये। अब यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं और अब यहाँ से लगा के देखते हैं क्या उस जो इंस्टाग्राम के फ़िल्टर हैं उसमें भी ट्रांसपेरेंसी का दे रहा है कि नहीं ऑप्शन। नीचे आइए, लॉर्ड केविन, ठीक, यही लगाया था ना हमने। अब इसमें आते हैं प्रॉपर्टीज़, देखिए तो इंस्टाग्राम के जो फ़िल्टर है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी का मामला नहीं दे रहा है, बाकी जो प्रीसेट हैं इसके फ़िल्टर्स के, वीडियो एडिटर, इनके में देगा ट्रांसपेरेंसी का, करना है कितना नहीं करना है आपको। इसको नीचे करिए,
ठीक है। अब यहाँ से आप ओके, ये यूज़र स्टाइल टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, कंट्रोल जेड क्लोज प्रोजेक्ट। ठीक, तो वो अपने हिसाब से मतलब फ़िल्टर आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए था मैन्युअली। जैसे ये आप एडिटर में जाएं, यहाँ से वीडियो इफेक्ट में अगर आएंगे, क्विक स्टाइल में आएंगे, ये एडजस्टमेंट में, तो इन सब चीज़ का यूज़ करके आप मैन्युअली अपना भी क्रिएट कर सकते हैं फिल्टर। और ये कुछ फ़िल्टर्स, ये क्विक स्टाइल थे, ये क्विक कुछ फ़िल्टर इसमें दिए हुए हैं, ब्लर वगैरह और ऑयल पेंट, इसके बारे में तो मैंने पहले बताया भी है। अब इसमें भी कुछ प्रो वर्जन के लिए भी ऐड हुए हैं, इसमें नेचुरल इफ़ेक्ट्स में ट्रांजिशन वगैरह, तो हम फिल्टर ही देखते हैं, अपना क्विक स्टाइल ही देखते हैं। अब जैसे ये एक्स प्रो सेकेंड है, लोमो फाई, ये क्लिपिंग फो प्रॉपर्टीज़, तो मतलब इसमें देखिए किसी में भी नहीं दे रहा है, मतलब इंस्टाग्राम के जो भी फिल्टर हैं इसमें किसी में भी ट्रांसपेरेंसी मैनेज करने के लिए नहीं दे रहा है। अब अगर मैं ओल्ड फिल्म लगाऊं, ठीक है, इसमें टम्परेचर ग्रे स्केल, तो आप देखिए इसमें दो ये जो हैं टम्परेचर ग्रे स्केल ले रहा है। एडिटर में अगर आप वीडियो इफेक्ट में आइए और फिल्टर्स में आइए, इसमें एडजस्टमेंट में आइए, तो ये टम्परेचर, ठीक है, ये टम्परेचर आपका होगा, ग्रे स्केल ही होगा, मतलब ये दो फिल्टर का यूज़ करके ये फ़िल्टर बना हुआ है। जैसा कि मैं बता रहा था ना कि आप अपना फ़िल्टर यूज़ क्रिएट कर सकते हैं स्टाइल, तो इसमें जो ऑलरेडी फ़िल्टर बने हुए हैं इसमें, वो सारे इसी से मिल के बने हुए हैं। वीडियो इफ़ेक्ट में जो आपके एडजस्टमेंट हैं, इन्हीं को एडजस्ट करके ये सारे फ़िल्टर्स प्रीसेट ऑलरेडी इसमें क्रिएट किए गए हैं, ठीक है, तो इसको भी आप हैंडल कर सकते हैं इजीली, देयर इज़ नो सच बिग इशू, ठीक है। और बाकी इस चीज़ में कुछ और नहीं है, इसी तरह की चीज़ें हैं। टेक्स्ट वगैरह के बारे में मैंने डिटेल में बता ही दिया है। नीचे आप लोग कमेंट नहीं करते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे टॉपिक सजेस्ट नहीं होता। मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए कि आप किस चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और कई बार ऐसा होता है कि वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी हैं और लोगों को कमेंट आते हैं कि ये वीडियो बता दीजिए, तो काइंडली सारी प्लेलिस्ट वीडियोस चेक कर लें आप लोग एक बार, और उसमें आपके नीड के हिसाब से अगर वीडियो नहीं मिलती है तो मेरे को बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।